नमस्कार, मैं हूं अवनीश आशुतोष। आपका बहुत बहुत स्वागत है पूर्वांचल एक्सप्रेस में। पूर्वांचल एक्सप्रेस का मतलब जानते हैं ना आप? आपके अपनों का हाल, देश की खबर जो होती है वो प्रदेश में हम दिखाते हैं, क्योंकि आप अपने गांव से दूर चले आए हैं, तो उस दूरी को मिटाने के लिए हम रोज लेके आते हैं जिसका नाम है पूर्वांचल एक्सप्रेस। कहा जाता है कि शादी 7 जन्मों का रिश्ता होता है, लेकिन शादी के नाम पर अगर कोई किसी को धोखा देता है तो कितनी अजीब गरीब बात होती है, लेकिन ऐसा खूब आजकल देखने को मिल रहा है। बस्ती सदर तहसीलदार विनोद सिंह पर एक एनजीओ चलाने वाली महिला ने यौन उत्पीड़न करने का गंभीर आरोप लगाया है। महिला का आरोप है कि तहसीलदार साहब विनोद सिंह ने शादी का झांसा देकर 1 साल तक उसका यौन उत्पीड़न किया, लेकिन जब पीड़िता ने शादी करने का दबाव बनाया तो आरोपी तहसीलदार एकदम से मुकर गए। फिलहाल अब पीड़िता आला अधिकारियों की मदद की गुहार लगा रही कि मेरी मदद कीजिए और मेरी जिंदगी जिस तरह से तबाह हुई है, जिस तरह से मेरा शोषण किया गया है, कहीं ना कहीं से उसमें खुशियों का रंग भरने की कोशिश कीजिए। श्रीराम आवास के संबंध में मैं तहसीलदार विनोद सिंह से मिलने गई थी, तब तहसीलदार विनोद सिंह सदर ने कहा कि आप सुबह 8 बजे अपने कमरे पे आ जाना, आवास पे आ जाना। तो मैंने जब आवास पे गए तो विनोद सिंह ने कहा कि कमरे में आके बैठो। तो मैं कमरे में जाकर जैसे ही बैठे वैसे ही दरवाजा बंद कर दिया, जबरदस्ती अपने कमरे पे ले गए, कमरे के बिस्तर पे पटक दिया। मैंने जोर जोर से चिल्लाने लगी, मेरी एक भी बात नहीं सुनी। पत्नी के तान सारे तान के कपड़े जो है उतर कर फेंक दिया और बलपूर्वक से पत्नी के साथ शारीरिक शोषण किया। तो जब मैं उनसे छूटी तो विनोद सिंह से जब छूटी तो मैं कहें कि मैं थाने में फरियाद दर्ज करेंगे, तो उसने बताया कि तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे, मैं प्रथम श्रेणी का मजिस्ट्रेट हूँ, मैं नीचे से अधिकारी से लेकर और जज मंत्री से है। और इस तरह से प्राथमिक से शोषण करती आई और ये भी बताया कि जो तुम्हारे साथ किए हैं, जो शारीरिक संबंध तुम्हारे साथ किए वो तुम्हारी बेटी के साथ भी मैं करूँगी। तहसीलदार सदर विनोद सिंह के खिलाफ प्राप्त हुई और उसमें शारीरिक शोषण संबंधी कुछ अन्य शिकायतें की गई और इस शिकायत की जांच के लिए वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी को जांच दे दी गई है। जांच के परिणाम जैसे आएंगे उसी के अनुसार कार्रवाई इनके की जाएगी। सर, महिला आरोपी लगा रही है बार बार उनको जांच मारने की धमकी दी जा रही है, उसकी बेटी के साथ संबंध बनाने की धमकी की जा रही है, सर इस पर आप क्या कार्रवाई करेंगे? नहीं, अगर कोई जानमाल की धमकी है या उसको कोई है तो पुलिस से कहा जाएगा कि इनकी सुरक्षा सुनिश्चित करें। कोई आपके यहाँ जांच नहीं किया कि आपने जांच करवाया ही नहीं? जांच हुई है। क्या जांच में आया? जांच में यही आया है कि मतलब अभी तक ये नीचे से जो भी जांच आई है कि मतलब ये लोग संशोधन जो है, इन लोगों के आवेदन पत्र जो है निरस्त हुए हैं। एक आवेदन पत्र, अब किसी का नाम नहीं याद आ रहा है, ये लिखित दिया है कि उनको जारी किया जाए प्रमाण पत्र। जारी करने का कोई आदेश नहीं दिया है। कितने दिन पहले आदेश मिला है आपको? अरे आदेश जो है कई बार आया है। ये मजिस्ट्रेट के ऊपर गंभीर आरोप लगा है कि उन्होंने बलात्कार किया है और यौन उत्पीड़न का ये जो पूरा आरोप है, तहसीलदार जो है उन्होंने कहा है कि इसकी जांच हो रही है। लेकिन सबसे अहम सवाल है कि अगर कोई तहसीलदार के पास जाता है किसी भी काम के लिए और उसे अपने पर्सनल कमरे में बुलाया जाता है, साथ ही साथ कमरा बंद कर दिया जाता है, तो समझा जा सकता है कि तहसीलदार के मन में कहीं ना कहीं से बहुत कुछ गड़बड़ी चल रही है। और इस बारे में ताज़ा जानकारी के लिए हम अपने संवाददाता से जुड़ेंगे राघवेंद्र सिंह के साथ और जानने की कोशिश करेंगे कि ये तहसीलदार का जो पूरा मामला आया है, राघवेंद्र ये बताइए कि इसमें किस तरह का अभी क्या कार्रवाई हो रही है? जिस तरह से कहा है उन्होंने, पुलिस वाले ने, कि हम उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करवा देंगे, ऐसे में क्या समझा जाए?
सर ये आए दिन यूपी सरकार अपने अधिकारियों कर्मचारियों को निर्देश देती है कि समाज सख्त समाज और सुनवाई बनाइए, उसके बाद भी अधिकारी के पास कोई जाता है, किसी भी अधिकारी के पास कोई जाता है तो उसे रिश्वत लिया जाता है, खुलेआम कहीं किसी लड़की को फंसा कर उसके साथ यूँ उत्पीड़न किया जाता है। जो बस में ताजा मामला भी देखने को आया है तहसीलदार अय्याज, ये पहला ही मामला इसके साथ नहीं आया, इससे पहले भी मामले होते हैं करते रहे हैं, लेकिन इनका चलने के नाते अधिकारियों से मिली भगत के मुकदमा दबा देते थे। अब की ये लड़की खुलकर सामने आई है, इसके साथ कम से कम साल भर तक शारीरिक संबंध गत रहे, इसको नौकरी का झांसा देने के बाद और नौकरी नहीं दिला पाए, उसके बाद इसका पैसा भी लिया, इसके इज्जत के साथ छेड़ते रहे, जान से मार दिया, जान से मारने की धमकी देने लगी, तब महिला पीड़ित होकर उसने डीएम से गुहार लगाई, डीएम ने जांच का आदेश दिया है, लेकिन इसमें जानिए लिपापोती करके ही डीएम खत्म कर दिया, क्योंकि अधिकारी की बात है, कोई भी अधिकारी किसी अधिकारी के ऊपर कार्रवाई नहीं करने देंगे। लेकिन राघवेंद्र, इस तरह की शिकायत अगर पहले भी आती रही है तहसीलदार के खिलाफ, तो आपको नहीं लगता कि वाकई अब तक जो कार्रवाई होनी चाहिए थी इनके खिलाफ उसमें लगातार उदासीनता देखने को मिल रही है? एकदम यह सही बात है, क्योंकि उदासीनता देखने को मिलती है, क्योंकि यूपी सरकार के जो भी कर्मचारी हैं आए दिन भ्रष्टाचार या हर चीज में कहीं ना कहीं लिप्त होते रहते हैं, खाली कार्रवाई कागज पर ही होती है, जबकि मौके पर कार्रवाई नहीं की जा सकती है, खाली कागजों में दिखाई देते हैं कि हाँ कार्रवाई हम कर रहे हैं, इनको किया, लेकिन अभी तक किसी को सस्पेंड भी नहीं किया, डीएम साहब बस्ती जिले में इनको तहसीलदार साहब को अभी तक सस्पेंड नहीं किए हैं, और इस तरह की जाँच चल रही है, जाँच में क्या चल रही है, लड़की अपना पूरा दिया है जी वीडियो दिखाई, उसके बाद ये लोग कह रहे हैं जांच करेंगे, जांच करने के बाद कार्रवाई करेंगे, आज दो दिन बीत जाएगा, लेकिन अभी तक ये कुछ नहीं कर पाए हैं। लेकिन वीडियो जिस तरह से भेजा गया है, जिस तरह से वीडियो आया है, वीडियो में इतनी ज्यादा अश्लीलता है कि हम उसको दिखा नहीं सकते, लेकिन एक आखिरी सवाल राघवेंद्र आपसे जानना चाहेंगे कि अभी जिस तरह से जो एनजीओ चलाने वाली जो महिला है उसकी मनस्थिति क्या है, क्या उसको सुरक्षा वगैरह दी गई है? अभी तक इस महिला को सुरक्षा व्यवस्था के नाम पर एक कुंभ भी नहीं दिया गया, पुलिस प्रशासन कह रहा है कि इसको हम पुलिस प्रशासन प्रदान करेंगे, अभी तक कोई इसको सुरक्षा नहीं दिया गया है, और नहीं जबकि इसको डर है कहीं इसकी जान मार न दिया जाए, इसीलिए यह मीडिया के पास आई, ये जान लीजिए एकदम ये जिस ब्लू पिक्चर बन रहा है उसी तरह इसको बनाया जाता है, जबकि हम समाज में नहीं दिखा सकते, चैनल पर नहीं दिखा सकते, ये इधर इस तरह का काम किया जिले के अधिकारी है, तत्काल इनको अपने प्रभाव से इनको सस्पेंड कर देना चाहिए था, मुकदमा लिखा जाना चाहिए, लेकिन इन लोगों की मिली भगत से अभी तक मुकदमा दर्ज नहीं हो पाया है, अरे जांच कार्रवाई करेंगे, पता नहीं क्या कर सकते हैं, महिला की हत्या नहीं हो सकता है। बिल्कुल, कुल मिला के कहा जा सकता है राघवेंद्र की जब रक्षक ही भक्षक बन जाएंगे तो इस तरह की घटना सामने आती है। फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बताइए क्या जमाना आ गया है कि एनजीओ चलाने वाली महिला जब तहसीलदार के पास जाती है अपनी किसी काम के लिए, उसके बाद उसके साथ इस तरह का व्यवहार किया जाता है, ऐसे में उसके बाद भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती, तो समझा जा सकता है कि वहाँ पर जो सरकार है या वहाँ का जो प्रशासन है वो किस कदर उदासीन बना बैठा है। अब चलिए, जब गंदगी की बात इतनी हो ही रही है, जब समाज में जो गंदगी की बात होती है तो कहीं ना कहीं से लगता है कि वाकई अब सफाई की भी ज़रूरत है। चलिए सफाई की बात करते हैं। गोरखपुर महानगर के चतना तिराहे पर महापौर की अगुवाई में स्वच्छ भारत मिशन पखवाड़ा के तहत नगर निगम, राजनीतिक दलों, सामाजिक संगठनों और स्कूली बच्चों ने हिस्सा लिया और स्वच्छता का संकल्प भी लिया। हालांकि इसी दौरान कर्मचारियों ने अपने वेतन में घोटाले की बात का जिक्र करके माहौल को गर्मा दिया। सफाई कर्मियों ने ठेकेदारों पर वेतन में घोटाला करने का आरोप लगाया और हंगामा करने लगे। महापौर ने हंगामा कर रहे सफाई कर्मचारियों को बमुश्किल समझा बुझाकर मामला शांत कराया। स्वस्थ भारत के अभियान के तहत स्वस्थ गोरखपुर, स्वच्छ गोरखपुर, सुंदर गोरखपुर बनाने के लिए एक पखवाड़ा चल रहा है सफाई अभियान का, उसके तहत गोरखपुर नगर निगम अक्तर कई कार्यक्रम आयोजित किया मेरे नेतृत्व में, और हमने परसों आह्वान किया आम जनमानस से कि हम मानव श्रृंखला बनाएंगे, और आज बहुत खुशी की बात है, इस तपती हुई गर्मी में भी धूप में भी छोटे छोटे बच्चे और बुजुर्ग लोग भी और समस्त महानुभाव आज सड़कों पर उतर गए हैं, इससे ये प्रतीत होता है कि अब
स्वच्छता अभियान बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा और गोरखपुर महानगर स्वच्छ और स्वस्थ और सुंदर बनने के साथ साथ ग्रीन यूपी क्लीन यूपी होगा और स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत बनने से कोई पीछे नहीं कर सकता। धन्यवाद। देखिए ठेकेदारी प्रथा जो है उनसे हमें मतलब नहीं है, क्योंकि ठेकेदारी प्रथा एक हमें मजबूरी है, जबकि हमने आग्रह किया है कि ठेकेदारी प्रथा समाप्त की जाए और इन सफाई कर्मचारियों को एक पूर्णता भुगतान के साथ नगर निगम अपने कर्मचारी के तहत मांग के इनको रोजगार मिले और सफाई कर्मचारी कार्य करें अच्छे से करें। और ये चीज मैं सफाई कर्मचारियों के साथ हूँ और सफाई कर्मचारी और क्योंकि वही इस पूरे नगर निगम के कर्मचारी ही धड़कन है, पार्षद हम पूरी इस नगर निगम का बॉडी है, तो हमें ठेकेदारों का कोई मतलब नहीं। हाँ, हमारे सफाई कर्मचारी का मैं चाहती हूँ कि ठेकेदारी प्रथा भी समाप्त हो और गोरखपुर को पूर्णता सफाई के अभियान के तहत कार्य हो सके। तो सत्या पांडे जी एकदम साच कहत रही कि झूठ कहत रही, इतना हुआ फैसला करब, लेकिन सच्चाई ये बा कि जे सफाई कर्मचारी बाड़न उनकर जेब खाली बा, पगार टाइम पे ना मिलेला। लेकिन अगर हम साच बात कहीं तो स्वच्छता अभियान में चार चांद तब लगी जब हर कोई बिल्कुल अंदर से भी फिट फाट हुई। चलिए आगे बढ़ता नहीं। बहराइच पंचायत चुनाव के पहले चरण का मतदान शांतिपूर्ण तरीके से हुआ, लेकिन मतदान के दूसरे दिन बहराइच के रहुआ मंसूर के प्राथमिक विद्यालय में कई बैलेट पेपर मुहर लगे हुए मिलने से इलाके में हड़कंप समझ गया। पुलिस को इसकी जानकारी तो दी गई, लेकिन 3 घंटे के बाद भी कोई भी प्रशासनिक अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा। हालांकि नायाब तहसीलदार ने बाद में बैलेट पेपर अपने कब्जे में लेकर उसे सील करवा दिया। बताया जा रहा है कि बैलेट से कुछ पेपर गायब हैं जिसकी जांच की जा रही है। साथ ही सवाल प्रशासनिक अधिकारियों की लापरवाही पर भी उठ रहे हैं कि भैया अगर बैलेट पेपर बाहर आता है जिस पर भी ठप्पा लगा हुआ है, उसके बाद इस तरह की कहीं ना कहीं से जो लापरवाही है उसकी जिम्मेदारी किसकी है? चुनाव सुचारू रूप से हुआ, उसके बाद में शाम को जब ये लोग सारे बक्से ले गए यहाँ से तो एक बक्सा छोड़कर चले गए यहाँ। उसके बाद में जब बस चल पड़ी उसके बाद में वहाँ से 2 लोग उतर कर आए, फिर एक बक्सा जो रह गया था उसको वो गमछे में ढक करके लेकर गए यहाँ से। और ये हुई कल की बात। आज सुबह आशीष गए थे स्कूल, वो पढ़ाते हैं वहाँ, वहाँ सफाई करवाने लगे तो इनको बैलेट पेपर मिले कम से कम 40-50, सब मोहर लगे बैलेट पेपर। और फिर वो वहाँ पढ़ाते रहे, उन्होंने मतलब बच्चों से इन्होंने छीन लिया। उसके बाद में ये पढ़ाते रहे, अभी 3:30-4 बजे जब वो आए तब उन्होंने इस जगह दुकान पे गाड़ी रोकी, उन्होंने कहा कि देखो बैलेट पेपर यहाँ स्कूल में मिले हैं, तो उसमें कम से कम 40-50 थे और 10-20 बैलेट पेपर फटे हुए थे, बच्चों ने फाड़ दिया था खेलते हुए। मतदान केंद्र रहुआ मंसूर यहाँ 3 मिला है, BDC का बैलेट और 3 जिला पंचायत सदस्य का बैलेट मिला है, जिसपे 2 पे मोहर लगा हुआ है और 1 सादा मिला हुआ है। 1 कहाँ से मिला हुआ है, 1 यहाँ के शिक्षा मित्र है उनके द्वारा ये प्राप्त कराया गया है। इसको हम लोग अपने कस्टडी में ले रहे हैं, स्कूल के इसको हम लोग सील करा के रख दिया जाएगा और इसके बाद इसके लिए जो दोषी है और निष्पक्ष जांच होकर उसके प्रति कार्रवाई की जाएगी। जब बैलेट पेपर पर मुहर लग गया है और बैलेट बॉक्स में गईवे नहीं किया है तो रिजल्टवा पर कितना असर पड़ेगा, बहुत गंभीर बात है। लेकिन सच यही है कि लगातार जिस तरह से बच्चों ने देखा सफाई के दौरान पाया गया बैलेट पेपर, उस पर भी ठप्पा लगा हुआ, उसके बाद समझा जा सकता है कि किस कदर लापरवाही हुई है और समझा जा सकता है कि वाकई जो गंभीरता होनी चाहिए अधिकारियों में उसकी लगातार कमी है। फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद हम फिर आएंगे और आपको ले चलेंगे गाँव घर जिसको बढ़ाएंगे आपके साथ मिलकर, जिसका नाम है पूर्वांचल एक्सप्रेस। बस देखते रहिए। खबरों की परख। मैं हूं सैयद अंजैदी और काफी दिनों के बाद एक बार फिर आप मुझसे रूबरू हैं। तजुर्बे की कसौटी पर। रॉबर्ट वाड्रा अकेले ऐसे व्यक्ति हिंदुस्तान में नहीं होंगे जिन्होंने ये काम किया। अब वजह यह है कि वो 10 जनपद के दामाद हैं।
फिर वही बेबाक अंदाज। जब अपने घर शीशे के हों तो पत्थर क्यों उठाते हैं खामखा आप लोग? राष्ट्रीय विपक्षी पार्टी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि ये मुद्दा उठा सके। देखिए जायजा सैयद एन जैदी के साथ सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे सिर्फ लेमन न्यूज पर। लेमन चैनल की तरफ से पूरांचल एक्सप्रेस नाम का जो कार्यक्रम पूरांचल के लोगों के लिए शुरू किया गया है, मैं पूरांचल के लोगों की तरफ से और अपनी तरफ से पूरांचल एक्सप्रेस के सभी लोगों को, पूरी टीम को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। ब्रेक के बाद आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं पूर्वांचल एक्सप्रेस। त्योहारों का सीजन आ गया है और ऐसे में अगर हम त्योहार पर्व की बात करेंगे तो शायद आपको अच्छा लगेगा। तो चलिए वही खबर सुनाते हैं आपको। महोबा में चल रहे पंचायत चुनाव के साथ नज़दीक आ रहे हैं नवरात्रि और मुहर्रम पर्व के होने से प्रशासन विशेष चौकसी बरत रहा है कि इन पर्वों में शांति व्यवस्था कायम रहे। इसको ध्यान में रखते हुए तहसील प्रांगण में SDM सदर और ASP की अध्यक्षता में शांति समिति की बैठक की गई, जिसमें दोनों ही धर्मों के कई लोग विशेष रूप से मौजूद रहे और अपनी अपनी राय भी दी कि भैया सब कुछ ठीक ठाक हो जाए। बैठक में नवरात्रि और ताजियों के जुलूस के रूट बदलने के ऊपर भी बातचीत हुई और रूट बदले जाने पर सभी की सहमति भी ली गई। लिया है कि चूंकि दोनों त्योहार एक साथ पड़ रहे हैं तो सामंजस्य हमारा बिल्कुल ऐसा बने जिससे हम एक साथ दोनों काम कर पाए। तो मान लिया हमको जैसे जुलूस निकालना है और जुलूस का जो समय होगा उसका हम लोगों ने आपस में बात करा के टाइमिंग चेंज कर दिया है। इसी तरह से मूर्तियों के जो रूट हैं, जहाँ जहाँ मूर्तियाँ हैं वहाँ से यदि जुलूस हमारे मुसलमान भाइयों के निकलते हैं तो वहाँ के लिए हम लोगों ने बात कर लिया है। हमने हाई कोर्ट का हवाला दिया, पब्लिक को बताया कि हाई कोर्ट ने DJ के लिए मना किया है। इन लोगों ने बड़ी मतलब खुशी से इन लोगों ने मान लिया कि हम DJ नहीं बजाएंगे, क्योंकि पूर्व में भी हमने कजली मेला में नहीं बजने दिया, हमारी बात को माने। और यहाँ के महोबा के लोग बहुत ही मैं समझ रहा हूँ कि समझदार लोग हैं और कोई चीज़ बताने से पहले समझदार हैं, और उन लोगों ने तुरंत स्वीकार किया कि हाँ हमारा नुकसान है। हमने कई चीज़ें बताई उनको, उन्होंने स्वीकार किया, क्योंकि हमने ये भी बताया कि प्रदूषण होता है इससे और शारीरिक नुकसान होता है, मानसिक टेंशन होता है, ये सब तरह की चीज़ें हुई, कई चीज़ों पर बात हुई। तो इन लोगों ने सब चीज़ें मानी, टाइम हमारा सही है, रूट हमने ठीक करा दिया निकलने के लिए। हमने ये भी बताया कि जब हम जुलूस को ले जाके मूर्ति विसर्जन करेंगे तो कोई भी बच्चा नशा नहीं लेगा। इन सब चीज़ों पर काफ़ी वार्ता हुई है और अब की बार सबसे बड़ी बात ये रही आपके पेश कि बहुत से हिंदू मुस्लिम लड़के भी आए हुए थे जिनको जो जुलूस में या मूर्ति रखने में भाग लेते हैं, तो इसलिए बहुत अच्छा वातावरण रहा और बहुत लोगों ने इसको अप्रिसिएट किया और मैं और मुझे आश्वस्त भी किया कि किसी तरह की कोई दिक्कत त्योहार में नहीं आने दी जाएगी। और मैं भी एकदम 100% श्योर हूँ कि इस त्योहार में हम पहले की तरह से बल्कि पहले से भी अच्छे ढंग से इसको मनाएंगे। जान है तो जान है, अगर आप या आपके घर में अगर कोई बीमार है या फिर आपको लगता है कि कोई ज़रूरी दवा मिस हो सकती है तो बहुत ही ध्यान से इस खबर को देखिएगा, क्योंकि 14 अक्टूबर को देश भर के दवा व्यवसायी हड़ताल पर जा रहे हैं। इसी कड़ी में जौनपुर में केमिस्ट एवं ड्रगिस्ट वेलफेयर एसोसिएशन ने प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि जौनपुर में भी 14 अक्टूबर को सभी दवा कारोबारी हड़ताल पर रहेंगे। ऑल इंडिया केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट फेडरेशन ने मेडिकल स्टोरों पर फार्मासिस्ट की अनिवार्यता के लिए ये साफ कर दिया है और अनिवार्यता के लिए ही विरोध में ये फैसला लिया गया है। दवा कारोबारियों का कहना है जो दवा बेचते हैं कि अगर उन्हें इस बाध्यता से मुक्त नहीं किया गया तो दवा कारोबारी जो बिजनेस करते हैं वो संकट में आ जाएंगे।
हमारी दवा की दुकानें पूरे भारत की दवा, हमारे अखिल भारतीय संस्था AICD के आह्वान पर पूरे भारत की 8 लाख दवा की दुकानें बंद रहेंगी। उसके दो कारण हैं। एक कारण तो ये है कि सरकार द्वारा फुटकर दवा की दुकानों के लिए फार्मासिस्ट की अनिवार्यता रखी गई है, जिसकी अब कोई ज़रूरत नहीं है दुकानों पर। अब इंग्लिश और हिंदी में लिखी हुई दवाएं आती हैं, उसको कोई भी पढ़ा लिखा व्यक्ति डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन को पढ़ करके दे सकता है। एक विषय तो ये है। दूसरा विषय है कि कपड़ा इलेक्ट्रॉनिक सामान की तरह से ऑनलाइन दवा का व्यवसाय भी शुरू कराया जा रहा है, जो कानूनन गलत है। इसका जो सबसे बड़ा, हम कहते हैं कि हमारा तो नुकसान होगा, हमारे 8 लाख दवा व्यवसायी बंद होंगे, उनके परिजन सड़क पे आ जाएंगे, भूखों मरे। तो 8 लाख दवा व्यवसायी इस विरोध में शामिल है। चलिए बढ़ते हैं आगे। सोशल मीडिया के नुकसान बताने वालों की कोई कमी नहीं है इस देश में, लेकिन सोशल मीडिया के फायदे भी कम नहीं है। जी हाँ, बांदा के एक किसान के हौसले को जब सोशल मीडिया पर वायरल किया गया, तब किसान की जिंदगी देखते ही देखते बदल गई रातों रात। दरअसल एक हादसे में अपना पैर गंवा चुके किसान देवराज ने चुनौतियों के आगे घुटने नहीं टेके और अपने कटे पैर में ही लकड़ी बांधकर हल चलाने लगे। जब सोशल मीडिया पर किसान देवराज की कहानी लोगों ने जानी समझी तो सूबे की सरकार की भी नींद टूटी। सूबे के CM अखिलेश यादव ने बांदा के DM के साथ किसान देवराज को लखनऊ बुलाकर कृत्रिम पैर लगवाकर ट्राई साइकिल बैसाखी और 5 लाख रुपए की मदद दी। बहुत से राहत है। मुख्यमंत्री जी अखिलेश यादव हमारे साथ बहुत से सहयोग किया है कि हमको यहाँ से कलेक्टर साहब ने भेजा है वहाँ लखनऊ, तो हमारा डॉक्टर साहब ने पांव लगवाया तुरंत, और पैसे भी दिए। हाँ, पैसे भी 5 लाख की घोषणा कर दिया। अब किसानी पहले तो करते रहे हैं तो माने कष्ट जाते रहा है, पर माने तकलीफ रही, भूख की तकलीफ रही, तो हौसले को सलाम करना चाहिए ऐसे लोगों के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुरादाबाद जनपद के जब्ती ग्राम में अज्ञात युवक का शव पेड़ से लटका मिलने से हड़कंप मच गया और सनसनी फैल गई। युवक की उम्र 25 से 30 साल के बीच बताई जा रही है। आशंका जताई जा रही है कि युवक की हत्या करके उसके शव को पेड़ से लटका दिया गया होगा। ग्रामीणों ने बरामद शव की सूचना पुलिस को भी दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव की शिनाख्त रतपुरा के रहने वाले बाबू कबाड़ी के रूप में की है। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर इलाके के लोगों से पूछताछ शुरू कर दी है कि जो असली कहानी है वो सामने आ सके। सूचना मिली है कि एक गन्ने खेत में बकैन के पेड़ पे एक लाश टंगी मिली, इसकी जानकारी होने पर पुलिस वालों को अवगत कराया, पुलिस ने पंजनामा भर के लाश पोस्टमार्टम के लिए भेज दी। अब जो खबर है वो बड़ी अच्छी है। मुरादाबाद में शाह सकलेन एकेडमी की ओर से सामूहिक निकाह का आयोजन किया गया। मुरादाबाद ईदगाह के विशाल मैदान में आयोजित इस कार्यक्रम में 51 जोड़ों का सामूहिक निकाह कराया गया। संस्था की ओर से दुल्हन को गृहस्थी का जरूरी साजो सामान भी तोहफे में भेंट किया गया। यहाँ पर आए हैं और इन्हीं के नाम से ये एकेडमी चल रही है। यहाँ हमारे जितने भी पीर भाई हैं शहर के आसपास के सभी लोग हमारी कमेटी से जुड़े हुए हैं और ये सब गरीब बच्चियों का इंतजाम किया हुआ है। आज कितने निकाह हो रहे हैं? आज हमारे यहाँ 51 निकाह है। मुख्तसर जरूरत की जो उनकी चीज है, जो दहेज है छोटा सा, वो भी इनको दिया जा रहा है। एक सकलेनी कमेटी है जिसकी जानिब से हर साल ईदगाह के मैदान में इज्तमाई निकाह कराते हैं और ये कमेटी अपनी तरफ से गरीब बच्चियों को दहेज देती है लगभग 40-40 हज़ार रुपए का, और ये बहुत अच्छा मैसेज है। इस तरह के अमल तमाम मुरादाबाद के ही नहीं बल्कि देश के अमीरों को मिलकर इस तरह की कमेटी बनाकर काम करना चाहिए, जिससे गरीब की बच्ची के हाथ पीले हो सकें और गरीब की बच्ची भी स्वागन हो सके।
क्योंकि इस तरह का आयोजन होता है तो समाज जुड़ता है, लेकिन अगर हम समाज के दूसरा पक्ष देखें तो हर कोई यहाँ पर, खासकर आम आदमी की अगर हम बात करें तो महंगाई ने उसकी कमर तोड़ कर रख दी है, और यही कारण है कि महंगाई को लेकर हर कोई अपने अपने तरीके से रोता है। लेकिन कलाकारों की अगर हम बात करें तो कलाकार गीत के जरिए ये संदेश देने की कोशिश करता है कि वाकई महंगाई से किस कदर परेशानी होती है। चलते चलते आपको छोड़ जाते हैं इसी गीत के साथ, जिसे प्रस्तुत किया है संदीप सुहाना ने। तो आप गाना देखिए और समझिए कि महंगाई के ऊपर किस तरह से आप सोच सकते हैं, और मुझे दीजिए इजाज़त। राम राम। अरे दिन पे दिन बढ़ाता महंगाई हो, राम जाने दुनिया कहाँ जाई हो। दिन पे दिन बढ़ाता महंगाई हो, राम जाने दुनिया कहाँ जाई हो। महंगाई इतनी बढ़ गई है कि घर में सब्जी लाना तक भारी हो गया। कैसे? पढ़ा लिखल लोग देखा ढोबता टेटो करी, बिना घुस दिहले कतही मिले नाही नौकरी। बेरोजगारी बढ़ल भाई हो, राम जाने दुनिया कहाँ जाई हो। और बीच में अभी 2 रुपया फिर डीजल पेट्रोल बढ़ा है उसके लिए। अरे डीजल पेट्रोल के बढ़ गईल दाम हो, कैसे चली गाड़ी कैसे होई कौन काम हो। दिन पे दिन बढ़ाता महंगाई हो, राम जाने दुनिया कहाँ जाई।